कुछ ऐसी गाड़ियां होते हैं जिसकी हिस्ट्री और डोमिनेंस की बातें बहुत सुनी होंगे। अगर स्कूटर सेगमेंट की बात करें तो सबसे पहले बजाज चेतक और होंडा एक्टिवा का नाम पहले याद आता है, मगर होंडा डियो का नहीं। होंडा डियो का हिस्ट्री उतना ही पुराना है जितना होंडा एक्टिवा का। होंडा डियो को 2001 में लॉन्च किया गया था और आज तक सर्वाइव कर रहा है। होंडा एक्टिवा जैसा पॉपुलैरिटी तो गेन नहीं कर पाया, मगर आज तक सर्वाइव कर रहा है। इसके कितने सारे कॉम्पिटिटर आए गए और अभी भी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, फिर भी होंडा डियो सर्वाइव कर रहा है। आज की डेट में देखा जाए तो होंडा डियो का मेन कॉम्पिटिटर हीरो जूम 110 है। दोनों स्कूटर यंग जनरेशन के लिए डिजाइन किया गया है और यह यंग जनरेशन के बाय लिस्ट में भी आता है। तो चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन कर देते हैं इन दोनों के बीच में, होंडा डियो 110 वर्सेस हीरो जूम 110। कौन किस में भारी है, कौन कितना बेहतर है, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कलर से शुरुआत करते हैं। होंडा डियो 110 मोटा मोटी 3 वेरिएंट में आता है और वेरिएंट के हिसाब से इसका कलर भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बेस वेरिएंट में आपको 3 कलर मिलता है, रेड, ब्लू, ग्रे, जबकि सेकंड टॉप वेरिएंट डीलक्स में मैट ग्रे, मैट येलो, मैट रेड मेटालिक और टॉप मॉडल एस स्मार्ट में मैट मेटालिक रेड, मैट डार्क ब्लू और ब्लैक। हीरो जूम 110 में भी 3 वेरिएंट मिलता है। हाल ही में इसका एक स्पेशल एडिशन को भी लॉन्च किया गया है, कॉम्बैट एडिशन। यहाँ पर भी वेरिएंट के हिसाब से कलर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हीरो जूम बेस वेरिएंट में व्हाइट कलर में मिलता है, उसके बाद VX वेरिएंट में ब्लू और व्हाइट, ZX वेरिएंट में ब्लू, रेड, ऑरेंज और ब्लैक और टॉप वेरिएंट जूम कॉम्बैट एडिशन में सिर्फ मैट ग्रे कलर ही मिलता है। दोनों में आपको ग्राफिक डिजाइन मिलता है। हीरो जूम में आपको सिवाय एक ही वेरिएंट में ग्राफिक डिजाइन मिलता है कॉम्बैट एडिशन में, जबकि होंडा डियो में आपको टॉप मॉडल और मिडिल वेरिएंट में ग्राफिक वाला डिजाइन मिल जाता है। अब चलते हैं इसकी डिजाइन जान लेते हैं। दोनों स्कूटर फ्रंट से काफ़ी गुड लुकिंग है। दोनों के हेडलाइट नीचे प्लेस किया गया है। दोनों में आपको हैलोजन और LED लाइट दोनों मिल जाता है। बेस वेरिएंट में आपको हैलोजन और टॉप वेरिएंट में आपको LED लाइट्स मिल जाता है। होंडा डियो में आपको DRL मिलता है हैंडल के पास, मगर हीरो जूम में आपको हेडलाइट के पास ही मिल जाता है DRLs, वो भी H-Shape के, जो देखने में काफी गुड लुकिंग लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि होंडा डियो भी उतना गुड लुकिंग नहीं है, दोनों काफी गुड लुकिंग है। दोनों में आपको काफी एग्रेसिव लुक मिलते हैं। दोनों में आपको एलो व्हील मिलता है फ्रंट में, मगर हीरो जूम में आपको डायमंड कट एलो व्हील मिलता है, जबकि होंडा डियो में आपको सिर्फ एलो व्हील ही दिया गया है। दोनों में फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। साइड से देखा जाए तो दोनों गुड लुकिंग है। मिरर दोनों का काफी सिंपल रखा गया है। स्पोर्टी साइलेंसर मिलता है दोनों में। दोनों में आपको ग्रैब रेल मिलता है, मगर होंडा डियो में आपको 2 पीस में ग्रैब रेल मिलता है, मगर हीरो जूम 110 में आपको ग्रैब रेल मिलता है, वो भी इंटीग्रेटेड है। पीछे से दोनों काफी गुड लुकिंग है। पीछे टेल लाइट आपको हैलोजन वाला मिलता है, जबकि हीरो जूम में आपको LED हेडसेट के टेल लाइट मिल जाता है। अब जान लेते हैं इंजन के बारे में। होंडा डियो में आपको 109.51 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर 8 bhp एट 7000 rpm में प्रोड्यूस करता है और मैक्सिमम टॉर्क 9.03 nm एट 5250 rpm में दे देता है। और हीरो जूम में आपको 110.9 सीसी की सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 8.05 bhp पावर एट 7250 rpm में और मैक्सिमम टॉर्क 8.7 nm एट 5750 rpm में दे देता है। अब होंडा डियो का लेंथ में 1808 mm, जबकि जूम में आपको 1881 mm। होंडा डियो का विड्थ 723 mm, जबकि जूम में आपको 731 mm मिल जाता है। लगभग 8 mm ज्यादा मिलता है। लेंथ में आपको 73 mm ज्यादा मिल जाता है जूम में। डियो का हाइट है 1150 mm, जबकि जूम का 1118 mm। होंडा डियो का 32 mm ज्यादा है। व्हीलबेस में आपको जूम में ज्यादा मिल जाता है, 40 mm ज्यादा है। होंडा डियो का 1260 mm, जबकि जूम का 13000 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी थोड़ा अंतर है। डियो का 160 mm, जबकि जूम 155 mm मिल जाता है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में आपको लगभग सिमिलर ही मिलता है, सिर्फ 0.1 लीटर का डिफरेंस है। डियो में आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जूम में 5.2 लीटर का टैंक मिल जाता है। कर्व वेट में आपको 6 किलो डिफरेंस मिलेगा, डियो 103 किलोग्राम जबकि जूम का 109 किलोग्राम। जूम आपको 6 किलो ज्यादा वजनी है। सस्पेंशन भी आपको लगभग सिमिलर मिलता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में स्विंग आर्म एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। होंडा डियो के फ्रंट टायर 90x90 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलता है और रियर में 90x110 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलता है। जूम में थोड़ा अलग है। बेस वेरिएंट के फ्रंट में
9590 12 इंच और रियर में 9590 12 इंच ट्यूबलेस टायर मिलता है। मगर टॉप वेरिएंट में आपको फ्रंट में तो 9590 12 इंच ट्यूबलेस मिलता है, मगर रियर में 100x80 12 इंच ट्यूबलेस टायर मिलता है, जो कि थोड़ा मोटा है। इससे आपको ग्रिप ज्यादा मिलेगा, राइडिंग ज्यादा बेहतर होगा। ब्रेक की बात करें तो दोनों में आपको लगभग सिमिलर ब्रेक मिलता है। बेस वेरिएंट में ड्रम में 130mm का मिलता है, मगर हीरो जूम में भी आपको फ्रंट में ड्रम वेरिएंट 130mm का मिलता है। होंडा डियो के रियर में ड्रम 130mm का। अब जान लेते हैं दोनों के फीचर्स। पहले होंडा डियो का फीचर जान लेते हैं। होंडा डियो में आपको स्मार्ट की, एलो व्हील, डिजिटल मीटर, एक्सटर्नल फ्यूल लीड, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, फ्रंट पॉकेट, मल्टीफंक्शन स्मार्ट स्विच, एलईडी हेडलैम्प, एलईडी पोजीशन लाइट, डीआरएल, स्लिप्ड ग्रैवरेल, ईएसपी टेक्नोलॉजी, साइलेंट स्टार्ट विद एसीजी, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ और बैटरी इंडिक। अब जान लेते हैं हीरो जूम में क्या क्या फीचर मिल जाता है। एलो व्हील, यहाँ पर भी एलो व्हील मिलता है बाँ पर भी, मगर यहाँ पर आपको डायमंड कट एलो व्हील मिलता है। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प, बाँ पर सिर्फ एलईडी मिलता था, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, वो भी टॉप वेरिएंट में। सिग्नेचर हेड सेफ पोजीशन लैम्प, सिग्नेचर हेड सेफ एलईडी टेल लैम्प, डिजिटल एनालॉग मीटर। बेस वेरिएंट में सेमी डिजिटल मिलता है और टॉप वेरिएंट में फुल्ली डिजिटल मिलता है। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, फ्यूल लो इंडिकेटर, i3s टेक्नोलॉजी, वायर टायर, फ्रंट यूएसबी चार्जर विथ ग्लोव बॉक्स, बूट लाइट, कॉर्नर बेंडिंग लाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डायमंड कट एलो व्हील, फ्रंट डिक्स। अब जान लेते हैं वेरिएंट और प्राइस। होंडा डियो में तीन वेरिएंट है, एसटीडी, डीएलएक्स और हेस स्मार्ट। बेस वेरिएंट का प्राइस है 70,211 एक्सोरूम, मिड वेरिएंट डीएलएक्स 74,212 एक्सोरूम और टॉप वेरिएंट हेस स्मार्ट 77,712 एक्सोरूम। हीरो जूम 110 बेस वेरिएंट एलएक्स की प्राइस है 71,484 एक्सोरूम, VX 74,917 एक्सोरूम, सेकेंड टॉप वेरिएंट ZX 79,967 एक्सोरूम दिल्ली और टॉप वेरिएंट जूम कॉम्बी एडिशन। आखिर में कंक्लूजन, दोनों स्कूटर्स में कौन सा कंसीडर करना चाहिए? मेरे ख्याल से दोनों बेहतर है। आपको जो डिजाइन बेहतर लगे उसी को कंसीडर कीजिए। जिसका सर्विस सेंटर आपके घर के पास है उसी को आप कंसीडर करना बेहतर होगा, क्योंकि बेहतर सर्विस मिलेगा। दोनों के सर्विस सेंटर आपके घर के पास है तो देखिए कि किसका सर्विस बेहतर है, उसके बाद उसी कंपनी का स्कूटर आप कंसीडर करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।